वंस मोर आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। वीडियो आपके सामने और अपलोडिंग आपके मोबाइल को खोलने पे समझ में आती है कि अपलोड की जा चुकी है। बात है इफ एंड अनलेस की, मकसद है, पर्पस है, ट्वेल्थ या टेंथ इनके पेपर जो है इंग्लिश के, उनके लिए क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर ग्रामर में क्वेश्चंस करता अनलेस के ऊपर से किया है। इन प्लेस ऑफ अनलेस यू हैव टू यूज इफ एंड इन प्लेस ऑफ इफ यू हैव टू यूज अनलेस। रीराइट दी सेंटेंसेस अदरवाइज द क्वेश्चन डिपेंड ऑन रीराइट दी सेंटेंसेस अदरवाइज कंबाइन द सेंटेंसेस फॉर बोथ वी कैन से दैट व्हाट इज द डिफरेंस। माइनर ऑब्जर्वेशन किया है, समझना पड़ेगा। अगर हम कहीं पर सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या मतलब हो, रीराइट कर कमेंट करिए या रीराइट करिए सेंटेंस का हिंदी में अर्थ या इंग्लिश में सेंस सेम निकलना चाहिए। अलग से हम बात करना चाहते हैं, अनलेस माने होता है इफ नॉट हिंदी में यदि नहीं, तो देखते हैं यहां पर लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते हैं You will not fail, आप फेल नहीं होते हैं, आप फेल नहीं होंगे यदि आप कठिन मेहनत करते हैं। अब रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस, तो हमने ये इफ के स्थान पे लगा दिया, इसका आंसर दे रहा है, और ये लगा दिया हमने अनलेस, ये लगाया अनलेस जैसे लगाया तो इफ से इफ तो मिल गया लेकिन नॉट एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका अर्थ क्या हो जाने वाला है आप लोग खुद समझते हैं। इसका अर्थ हो जाने वाला है क्या, अनलेस यू वर्क हार्ड, दैट मीन्स इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यू विल फेल। देखिए इस सेंटेंस में नॉट नहीं था तो अनलेस लगाते से नॉट आ गया, तो जब नहीं था तो सेकंड सेंटेंस में नॉट आया था, और जब पहले में नहीं था और जब पहले में आ गया तो सेकंड से नॉट अलग हो जाएगा। अर्थ निकाल के देख लीजिएगा, सेम आ रहा है। कैसा सेम आ रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो यू विल नॉट फेल, तुम फेल नहीं होगे, दैट मीन्स पास हो जाओगे, पर हमको इसके स्थान पर रखना है अनलेस, तो हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो दैट मीन्स यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, सिंपल सा है। ये रीराइट दी सेंटेंस था। इसके बाद में कंबाइन करना है, यू पे दी बिल, आप बिल पटाते हो, यू विल नॉट गेट दी बुक्स, आपको बुक नहीं मिलेगी, आपको बुक नहीं मिलेगी, तो यू पे दी बिल, आप बिल पटाते हो, आप बिल जमा करते हो, और यहां पर लिख रहा है तुम बुक्स प्राप्त नहीं करोगे, तुम बुक प्राप्त नहीं करोगे। तो इसमें यह आता है कि ट्रांसलेशन को कंबाइन करना दोनों वाक्य का, सेंस एक सा निकलना चाहिए, तो सेंस निकलने का मतलब क्या हो जाएगा, इफ यू विल नॉट गेट दी बुक्स, यदि तुम बुक्स, मतलब ये हो जाएगा यू विल नॉट गेट दी बुक्स, आंसर में हो जाएगा यू विल नॉट गेट दी बुक्स, यू विल नॉट गेट दी बुक्स, तुम बुक नहीं प्राप्त करोगे, तुम्हें बुक नहीं प्राप्त होगी unless you pay the bill, unless you pay the bill, you pay the bill, that means sense अब complete हुआ unless लगाने से, यदि तुम bill नहीं, if not, यदि तुम bill नहीं पटाते हो
if you do not pay the bill. If you know, we do not know, तो then हमें books नहीं मिलेगी. Combine the sentence का मतलब ये हो रहा है कि उस शब्द को unless को fit करने से अर्थ पूरा निकल रहा है, और जब वो combine नहीं किया था, unless नहीं आया था, तो अर्थ पूरा नहीं निकल रहा था. देखिए ना, you pay the bill. You pay the bill. तुम bill नहीं, मतलब you pay the bill. तुमने तुम bill पटाते हो, तुम्हें book नहीं मिलेगी. ऐसा कैसे होता है? होता यह है कि यदि तुम बिल नहीं पटाते तो तुम्हें बुक नहीं मिलेगी. तो वो कब होगा पूरा? जब अनलेस से आप इस वाक्य को जोड़ दोगे. इस तरह से आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया. एक और है, फिर रीराइट द सेंटेंसेस. इसमें ये दिया हुआ है कि यदि मान लिया लिखा है कि आई वॉन्ट विल नॉट गो, वॉन्ट कहते हैं, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस अनलेस यू कम विथ मी, यदि तुम मेरे साथ नहीं आते हो तो मैं नहीं जाऊंगा. इसका अर्थ को देते हुए आपको ये जवाब देना है कि आई विल गो, आई विल गो. देखिए अब यहाँ इफ लाना है किसके स्थान पे? इन प्लेस ऑफ भी आता है कई बार इसमें. इन प्लेस ऑफ, अनलेस, इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब अनलेस के स्थान पर क्या लाना है अपने को? ये लाना है, क्या बोलते हैं, इफ. ये रीराइट सेंटेंस यूजिंग इट. तो जब यहाँ पर एक नॉट है ये निकल जाएगा, और यहाँ अनलेस है, यहाँ से भी नॉट निकल जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा इफ. तो ये वाला वाक्य हो जाएगा इफ यू कम विथ, इफ यू कम विथ मी, और यहाँ पर जाएगा आई विल गो. तो सीधा सीधा हो जाएगा आई विल गो, और यहाँ हो जाएगा इफ you come with me. देखिए कितना मतलब मजेदार सेंटेंस है, मजा आता है इसको समझने में, करने में. I will not go, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा. यदि तुम मेरे साथ, मेरे संग नहीं आते हो तो नहीं जाऊंगा, नहीं आते हो मतलब तुम मेरे साथ नहीं आते तो नहीं जाऊंगा, दोनों में नहीं नहीं. लेकिन अगर कह देते हैं यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आते हो तो आई विल गो, मैं जाऊंगा. कितना मतलब बढ़िया वाक्य है, सोचने की बात है. ये दे दिया उसने. तो हमको ये समझना है कि अनलेस की मीनिंग होती है इफ नॉट. यदि अनलेस में से आपने नॉट अलग कर दिया तो क्या बचा? इफ. तो दूसरे वाक्य में भी कहीं नॉट हुआ तो उसको अलग करें, या कहीं पर नॉट आ रहा है एक सेंटेंस में और दूसरा अर्थ पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है तो उसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा. इस सेंस थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके लिखना पड़ता है हिंदी में और सेंस निकालना पड़ता है इंग्लिश में. आई होप इससे संबंधित रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल देखिए. अगर आपको समझाते हैं तो टाइम जाता है, ठीक है, आप देख लेंगे वीडियो शुरू से आते तक आप देखते रहिएगा. आई होप आपका जो ये पेपर है, जो एग्जामिनेशन है 12th के 10th, ये एक नज़र ज़रूर देख के जाइएगा. हम कोशिश करेंगे कि हमारे थंबनेल में भी हम यही लिखेंगे कि जाते समय एक निगाह ज़रूर देखें, जाते समय इन द सेंस 4 घंटा 6 घंटा एक दिन पहले इसको ज़रूर देखें. ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. खासकर मेरे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थंबनेल के बटन को प्रेस करिएगा. नोट्स नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो भी जानकारी आ सके पहुँचते रहेंगी. देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.